साइंटिफिकली बात करूं थोड़ा सा तो एक फीमेल का दिल जो है वो 250 से 300 ग्राम के बीच में होता है और उससे थोड़ा सा वजनी दिल जो है मर्द के पास होता है जो 300 से 350 ग्राम के बीच में होता है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता साइंस में। अगर थोड़ा सा मेडिकल के तरीके से मैं बात करूँ तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है। एक मिनट में ये 72 टाइम्स धड़कता है और लगभग एक दिन में 1,00,000 बार धड़कता है और एक साल के अंदर 3,60,00,000 टाइम्स धड़कता है और पूरे लाइफ में लगभग 250 करोड़ से ज़्यादा बार धड़कता है। ये दिल है और ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, इसमें इतना सा फ़र्क है कि फीमेल का दिल जो है मर्द की तुलना में 8 टाइम्स ज़्यादा धड़कता है। तो शायद वो धड़कन जो उधर बढ़ती वो इधर धड़कन बढ़ाती है, बस और कुछ नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुछ दिल ने कहा, मुझे नहीं पता कैसे कहता है दिल, लेकिन जहन के साथ, दिल के साथ, रूह के साथ एक रिश्ता है जो बांध करके चलता है
और ये दिल का ही रिश्ता है जो आपको हमको बांधे रखता है, और ये दिल ही है जो आपको यहाँ तक खींच कर लाया है, ये इनका दिल है जो संगीत के साथ जुड़ा हुआ है और हम सबको यहाँ पर मौजूद जिसने किया है वो दिल ही है, वो दिल है जो कुछ ना कुछ कहते रहता है। एक और चीज़ हम दिल की पेश करेंगे आपके सामने, आज सारे दिल की बातें होंगी और उम्मीद है कि आप दिल खोल कर इन्हें रिस्पॉन्ड करेंगे, तालियां बजाएंगे। थैंक यू। दिल की आवाज भी सुन, दिल की आवाज भी सुन, मेरे सारे
सभी ये लोग शौकीन आर्टिस्ट हैं, सब हॉबी वाले आर्टिस्ट हैं और अपने फ़न को इन्होंने ज़िंदा रखा हुआ है। ये सब वो लोग हैं कि जिन्होंने अपने काम काज के साथ साथ जो है अपने फ़न को इस तरह से ज़िंदा रखा है कि लोगों के सामने अपने उस हुनर को जो कभी कॉलेज के ज़माने में जो हुआ करता था और जो अपने उस दौर में जो चीज़ें रखा करते थे आज भी ज़िंदा रखा है। हमारे बीच में सर राजेंद्र राय पुलिस आप जी राजेश राय बोले, ताली आपकी यहाँ पर नाम के साथ आती है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। चलिए मैं आपको वापस दिल की दुनिया में वापस आपको लिए चलूँ। दिल के बारे में बहुत सारी बातें कि भाई दिल जब सोचता है तो दिमाग काम करता है, तो किसी ने कहा था कि भाई दिल से तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिल से तुम फैसला करो तुम्हें क्या करना है, दिमाग खुद ब खुद तरकीब निकाल लेगा। सोचो तो सही, फैसला तो करो, कुछ तो करो। कभी कभी इस तरह से चीज़ें होती हैं कि दिल जो है टूट जाता है तो कभी आवाज़ नॉर्मली, ये तो दिल का एक बलून था इसलिए आवाज़ भी आई। नॉर्मली जब दिल टूटता है तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन जब दिल टूटता है तो एक अंदर से जो विस्फोट होता है जिसका दिल टूटता है वही जानता है कि क्या होने वाला है। सूखे खेतों से बंजर हो गई है मेरे दिल की ज़मीन, सूखे खेतों से बंजर हो गई है मेरे दिल की ज़मीन, तेरे प्यार की बारिश ने इसे कब से भिगोया ही। और ऐसा होता है जब किसी का प्यार किसी को नहीं मिलता तब वो तड़पता है और तड़पता है तो एक आह निकलती है, लेकिन जब सब कुछ ठीक चल रहा हो और उसके बाद भी रूठना मनाना चल रहा हो, क्योंकि प्यार के अंदर रूठना मनाना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर कहते हैं कि जिस प्यार में रूठना मनाना ना हो तो वहाँ उसे सच्चा प्यार नहीं कहते, ऐसा कहते हैं जो लोग प्यार करने वाले हैं वो शायद बहुत बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। तो वो जो है जब तड़पता है, जब प्यार में जब रूठना मनाना होता है और तब किसी की आवाज़ आती है कि रुक जा ओ जाने वाली रुक जा, तब बात हो जाती है। रुक जाओ लंगवाली रुक जा, मैं तो राही नजरों में आदमी बुरा नहीं, मैं निसका आदमी बुरा नहीं, मैं निसका I'm